आपका पति आपके मुट्ठी में कैसे रखेंगे, इसके बारे में मैं आज सभी महिलाओं से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे कपल्स मेरे पास में आते रहते कि उनकी आपस में पट्टी नहीं है, या लेडीज आती रहती है व्हाट्सएप कर देती है, कॉल कर देती है कि मेरा हस्बैंड हमारा सुनता नहीं है, मेरे तरफ ख्याल देता नहीं है, मेरे से बातचीत बराबर करता नहीं है। तो ऐसे सारे कंप्लेंट्स काफ़ी लेडीज़ की अपने हस्बैंड के बारे में रहती है। तो उनके लिए ये खास कुछ टिप्स मैंने दी है, तो वो यदि आप उसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो हस्बैंड है वो अपने मुट्ठी में रहेगा। तो उसमें क्या छोटी छोटी बातें हैं रोज के जीवन की। नंबर एक, शादी के बाद में क्या होता है कि सेक्स बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होती रहती है दोनों को भी, और स्पेशली हस्बैंड को क्या रहता है कि उसको सेक्स कभी भी चाहिए, उसको ऐसा मूड आने की जरूरत नहीं रहती। मगर स्त्री को क्या है कि मूड लगता है। तो भाई आपने क्या करना है, मतलब महिलाओं ने, कि भाई ठीक है अपना मूड भी नहीं है मगर हस्बैंड बोलता है कि सेक्स करना चाहिए और समय है कर सकते हैं, तो कभी ना नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है कि ना बोल देती है फिर उसका मूड खराब हो जाता है, आपका मूड नहीं करके उसका मूड खराब, और फिर आपस में अनबन होती रहती है। शुरू में साल भर ऐसा होता है कि साल भर काफ़ी बार सेक्स करने की इच्छा होती रहती है और उसमें कभी नहीं नहीं बोलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उसका खान पान जो है वो हस्बैंड को क्या रहता है कि उसका खान पान देखने के लिए स्त्री ने ख्याल देना चाहिए, मतलब उसके पत्नी ने उसकी तरफ ख्याल देना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता नहीं है। जो अच्छा लगता नहीं नहीं बनाने का, अच्छा लगता है वो बार बार बनाओ। तो टाइम टाइम पे उसको खाना खिलाते हैं, टाइम टाइम पे उसको नाश्ता देते हैं, चाय पानी, तो एक खुश रहता है फिर वो। और नहीं तो उसके लिए उसको यदि रुकना पड़े, सोचना पड़े मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, टेस्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वह दुखी रहता है। तो ये दूसरी बात है कि खान पान की तरफ अच्छा ख्याल देना चाहिए। नंबर तीन जो है कि यदि आप हाउसवाइफ है तो डेफिनेटली आपने पक्का करना चाहिए कि उसके कपड़े हैं वो प्रेस किए हैं कि नहीं है, उसके जो उसकी चीज़ें जो लगती है, उसको ऑफिस जाना है या बिजनेस पे जाना है जहाँ भी, तो उसकी चीज़ें बराबर रखी है कि नहीं, उसको टाइम पे वो मिलती है कि नहीं है। तो वो यदि आप ख्याल देती है तो हस्बैंड खुश रहता है कि नहीं भाई मतलब ख्याल देती है वो। फिर चौथा ऐसा है कि हरदम स्त्री ने उसके बोलने में, उसके चलने में, उसके होने में सब तरह ऐसा बताना चाहिए कि उसके मन में ये एक ही आदमी है और बाकी कुछ भी नहीं है, एक ही आदमी है और ये एक ही विषय है कि अपना हस्बैंड और ये हमारी रिलेशनशिप, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। क्यों, और उसको ये मालूम होना चाहिए कि नहीं अपने ऊपर बहुत प्यार करती है और उसके मन में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, ये उसको बार बार जताना पड़ता है, लव यू बोलना पड़ता है, तो उसमें वो आपके ऊपर बहुत प्यार करेगा, आपके मुट्ठी में रहेगा। फिर पांचवा जो है वो है कि पुरुष वर्ग जो है ना, उनको, पुरुषों को, उनको एक टाइम लगता है अपना खुद का टाइम, मतलब प्राइवेसी टाइम या शांत टाइम या शांत समय लगता है। औरतों को क्या लगता है कि बक 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 काफ़ी बातें करती रहती है औरतें, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है। उनको लगता है कि भाई हस्बैंड घर पे आया तो कितना बोलूँ कितना नहीं, तो बोलो जो बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको भी हस्बैंड को एक समय देना चाहिए कि वो समय में वो उसके साथ में अकेला है, भले वो अपने साथ में शांत बैठा है या टीवी देख रहा है या व्हाट्सएप देख रहा है, जो भी कुछ है, मगर उसको उसका समय देना चाहिए। यदि आप वो समय उसको देते हैं तो उसको अच्छा लगेगा, उसको प्राइवेसी अच्छी लगती है, और जब आपको सुनाना है सुनाओ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं सुनाने को, मगर प्राइवेसी देना जरूरी है। यदि आप ये बातें करते हैं, पांच बातें, तो आपका पति आपके मुट्ठी में रह सकता है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होंगी, आपको जो प्रॉब्लम है तू तू मैं वाले वो होंगे नहीं। कभी भी ये आपने ध्यान रखना चाहिए कि आप ने कि नहीं, तुम्हारा देखो मैं मेरा देखती, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं ये मेरी है, ये मेरे लिए बहुत केयर करती है, मेरा सब कुछ जानती है और ये मेरे लिए हरदम स्टैंड है, खड़ी है। तो ये आप यदि करती है तो आपका हस्बैंड हरदम आपके मुट्ठी में रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।